हेलो एवरीवन मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस जिसको फेमिनिस्ट थियोरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस भी कहा जाता है इसमें हम समझेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में फेमिनिज्म की क्या क्या एग्जाम्शन हैं किन परस्पेक्टिव के थ्रू इसे इंटरनेशनल रिलेशन्स में स्टडी किया जाता है एंड द थ्री मेन वेव्स ऑफ फेमिनिज्म तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं फेमिनिज्म के बारे में समझकर। एकेडमिक डिसिप्लिन में फेमिनिज्म, जिसे हिंदी में नारीवाद कहा जाता है नाइनटीन सिक्सटीज और सेवेंटीज की जो फेमिनिस्ट मूवमेंट रही है उसका रिजल्ट है ये ऐसी मूवमेंट्स थी जिनका एम था विमेन के लिए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को अचीव करना इस मूवमेंट के थ्रू विमेन के लिए सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स डिमांड किए गए और जब फेमिनिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड आइडियाज़ को करने की बात आई उसी इक्वल राइट इसलिए डिमांड करती है क्योंकि फेमिनिस्ट का मानना है कि वुमेन को सबॉर्डिनेट किया जाता है उनको एक सेकेंडरी स्टेटस दिया जाता है इन कंपैरिजन टू मेन और इसी सबॉर्डिनेशन को खत्म करने के लिए विमेन को राइट्स देने की जरूरत है तो फेमिनिज्म का फोकस होता है कि विमेन सबॉर्डिनेशन को एक्सप्लेन करना कैसे महिलाओं को एक लोअर रैंक पर रखा जाता है ये उनका एक्सप्लाइटेशन करके भी हो सकता है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करके भी हो सकता है या उनके साथ अप्रेशन या अत्याचार करके भी हो सकता है और ये स्टडी करता है कि सबॉर्डिनेशन के रीजंस क्या हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के लिए डिफरेंट रीजंस हैं सबॉर्डिनेशन के कोई ब्लेम करता है पैट्रियार्की को वही कोई स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करता है विमेन सबॉर्डिनेशन के लिए और साथ ही साथ ये बताता है कि कैसे इस सबॉर्डिनेशन को हम ओवरकम कर सकते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में जिसकी आज हम स्टडी कर रहे हैं फेमिनिज्म मानता है कि विमेन को और उनके इश्यूज़ को इंटरनेशनल रिलेशंस की डिबेट से और एनालिसिस से बाहर रखा गया है ऑल्सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ परस्पेक्टिव फेमिनिज्म जो है वो डिफरेंट स्टैंड से जैसे कि लिबरल पोस्ट्रक्चरल या पोस्ट कलोनियलिज्म से डिफरेंट आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करता है और अपना एक पर्सपेक्टिव ऑफर करता है जिसकी स्टडी हम आज की वीडियो में करने वाले हैं तो वैसे तो फेमिनिज्म को एज अ थियोरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन स्टडी किया जाता है बट क्या ये एक्चुअलिटी में एक थ्योरी है इसको लेके कन्फ्लिक्ट है मोस्टली स्कॉलर्स मानते हैं कि फेमिनिज्म थियोरी नहीं है बल्कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ पर्सपेक्टिव्स ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स का एक कलेक्शन है और ये जो टर्म है फेमिनिज्म, इसको सबसे पहले यूज किया गया था चार्ल्स फूरिये द्वारा और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं सीमॉन डेबोवा मैरी वुल स्टोन क्राफ्ट केट बेटी फ्राइडन जे टिकना सिंथिया एनलो और चंद्रा मोहंती अब समझ लेते हैं फेमिनिज्म को इंटरनेशनल रिलेशंस के परस्पेक्टिव में बाय कि अंडरस्टैंडिंग किन एजाम्शंस पर बेस्ड है सबसे पहले तो ये ग्लोबल ऑर्डर को एक सोशली कंस्ट्रक्टेड हायरोकी मानता है फेमिनिस्ट मानते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर में भी एक हायरॉकी प्रेजेंट है एक ऐसी हायराकी जिसमें मेल्स को सुपीरियर समझा जाता है और फीमेल्स को इन्फीरियर समझा जाता है और यह हैराकी बनाई गई है और इसी कंस्ट्रक्टेड हैराकी की वजह से जेंडर सबॉर्डिनेशन होता है वीमेन को सेकेंडरी स्टेटस मिलता है फेमिनिस्ट फर्दर बताते हैं कि स्टेट्स ने महिलाओं को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिकल लाइफ से एक्सक्लूड करके रखा है इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस के स्फेयर में मेन डोमिनेट करते हैं इसलिए उनको आई में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है एंड फर्दर फेमिनिस्ट मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन का फोकस होता है मेनली ऑन द मेल डोमिनेटेड बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन फेमिनिस्ट मानते हैं कि आई से रिलेटेड जो थियोरीज हैं वो मेनली मेल डोमिनेटेड बॉडीज और इंस्टीट्यूशन पर फोकस करती हैं जैसे कि गवर्नमेंट स्टेट्स ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये सभी बॉडीज और इंस्टीट्यूशन मेल डोमिनेटेड होते हैं ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ जेंडर कैटेगरीज अफेक्ट द इंटरनेशनल रिलेशन देखिए जो जेंडर्ड कैटेगरीज होती हैं मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की लाइक रैशनल वर्सेज इमोशनल जहां की रैशनल मैस्कुलिन है और इमोशनल फेमिनन स्ट्रेंथ वर्सेज वीकनेस वेयर स्ट्रेंथ इज कंसिडर्ड मैस्कुलिन वेयर एज वीकनेस इज कंसिडर्ड फेमिनन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट प्रोटेक्टर वर्सेस इज प्रोटेक्टेड, इन सभी कैटेगरीज का इंटरनेशनल रिलेशंस की नेचर थियोरी और प्रैक्टिस पर एक डीप इम्पैक्ट पड़ता है ये इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करती हैं, उसको शेप करती हैं, और इसी इंपैक्ट की स्टडी करने की बात करते हैं फेमिनिस्ट्स। फर्दर वो डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में वुमेन का क्या रोल है किन रोल्स में वुमेन देखने को मिलती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करती हैं बट वो सेकेंडरी नेचर का होता है लाइक like एक डिप्लोमैट की वाइफ एक वर्कर इट डोमेस्टिक वर्कर और अ फैक्ट्री वर्कर और इसी एस्पेक्ट को फेमिनिस्ट चैलेंज करते हैं दे वॉन्ट दैट वुमेन को इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा रिप्रेज़ेंटेशन मिले उनका डिसीजन मेकिंग बॉडीज में रिप्रेजेंटेशन बढ़े So इससे उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो सके इन आई आर ऑल्सो इंटरनेशनल रिलेशन में हम फेमिनिज्म को वेरियस और थीम्स के थ्रू स्टडी करते हैं ये कोई एक सिंगुलर थियोरी नहीं है बट अ कलेक्शन ऑफ परस्पेक्टिव एंड थीम्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ परस्पेक्टिव को पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे थीम्स को एंड लेट मी टेल यू वन थिंग थीम्स एज इंपॉर्टेंट एज परस्पेक्टिव इन दोनों की ही स्टडी इंपॉर्टेंट है फेमेनिज्म को समझने के लिए इन द कॉन्टेक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन तो वो थीम्स क्या क्या है फेमेनिस्ट स्टेट के रोल को क्रिटिसाइज करते हैं पावर के रोल को भी क्रिटिसाइज करते हैं साथ ही साथ इंटरनेशनल थियोरीज और स्टेट सिक्योरिटी जैसे कॉन्फ्लिक्ट को भी क्रिटिसाइज करते हैं इनको हम डिटेल में समझेंगे इस टॉपिक के सेकेंड पार्ट में साथ ही साथ फेमिनिस्ट मानते हैं कि विमेन के एक्सपीरियंसेस को इंटरनेशनल रिलेशंस में साइडलाइन कर दिया जाता है या मार्जिनलाइज कर दिया जाता है वॉर हो या conflict, ये विमेन को डीपली इंपैक्ट करते हैं क्योंकि इस दौरान उनके साथ काफी सारी ज्यादतियां की जाती हैं उन पर अत्याचार किए जाते हैं अप्रेस किया जाता है लेकिन इस ऑपरेशन की बात कोई हाईलाइट नहीं करता है और फेमिनिस्ट मानते हैं कि अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशन को एक प्रॉपर तरीके से समझना है तो वुमेन के जो एक्सपीरियंस रहे हैं वॉर में और कॉन्फ्लिक्ट में उनको भी समझने की ज़रूरत है और ना ही सिर्फ हम इससे आई आर की एक प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं बल्कि वॉर और कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशंस में औरतों के साथ जो जुल्म होते हैं या जिस प्रकार का ऑपरेशन होता है उसके बारे में भी जान सकते हैं तो फेमिनिस्ट मानते हैं कि विमेन और उनसे रिलेटेड इश्यूज आर नॉन एग्जिस्टेंट इन आईआर डिबेट्स कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड डिबेट विमेन और उससे रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात नहीं करती है सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आई आर विमेन इश्यूज को प्रॉपरली एड्रेस करे ये मानते हैं कि विमेन की वॉइस को उनकी नॉलेज को उनके परस्पेक्टिव को और एक्सपीरियंसिस को इंटरनेशनल रिलेशन में ओवर कर दिया जाता है या इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि एक मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड है एंड इसीलिए द थ्योराटिकल फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन जेंडर बायसेस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो भी जेंडर बायस को रिफ्लेक्ट करती हैं स्पेशली फेमिनिस्ट रियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं रियलिज्म ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करता है जिन कॉन्सेप्ट को मैस्कुलर ट्रेट्स असाइंड है लाइक पावर सिक्योरिटी एंड सेल्फ हेल्प तो ये थे कुछ मेजर एक्साम्शन ऑफ फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन अब बात कर लेते हैं थ्री वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की इनको हम ज्यादा डिटेल में नहीं समझने वाले हैं क्योंकि जब हम फेमिनिज्म को आइडियोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे तब इन वेव्स की डेप्थ स्टडी की जाएगी तो मेनली थ्री वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है इसमें कई बार एक चौथी वेव भी ऐड कर दी जाती है बट मेनली देर आर थ्री इन वेव्स के थ्रू फेमिनिज्म इवॉल्व हुआ जो सबसे पहले था फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जिसको लिबरल फेमिनिज्म भी कहा जाता है ये आया टूवर्ड्स द लेट नाइनटीन सेंचुरी एंड कंटिन्यू द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी और इसका जो मेन फोकस था या जो मेन एम था वो इज प्रमोटिंग इक्वालिटी ये इक्वालिटी पर फोकस करता था दैट देयर शुड बी इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वूमेन एंड दैट्स इट्स वाईस लिंक विदरेज मूवमेंट फेमिनिस्ट मूवमेंट जो थी उसके साथ इसको लिंक किया जाता है और जैसा कि मैंने बताया कि फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या डिमांड करती थी इक्वल सोशल पॉलिटिकल राइट्स और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसने फर्स्ट वे फेमिनिज्म को इंस्पायर किया और वो है मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट की अवेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जिसमें वो सपोर्ट करती थी दैट विमेन शुड हैव इक्वल राइट्स इन एजुकेशन वर्क एंड पॉलिटिक्स तो लिबरल फेमिनिज्म का जो फोकस था वो था ऑन प्रोमोटिंग सपोर्टेड कि विमेन को ऐसे स्पेसिस में एक्सेस मिले जो कि मेल डोमिनेटेड हैं। एंड ऑल्सो सपोर्टेड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूशंस में बदलाव लाए जाए ऐसे स्फेयर्स में और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जहां पहले विमेन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था ऐसे स्वेयर और इंस्टीट्यूशन में वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिले तो पब्लिक स्वेयर में इक्वालिटी की बात करता था फिर आया सेकेंड वे फेमिनिज्म जिसको रेडिकल फेमिनिज्म कहा जाता है ये लिबरल फेमिनिज्म की एक रेडिकल फॉर्म था स्टार्टेड अराउंड अराउंडीन सिक्सटीज एंड लास्टेड टिल द नाइनटीन सेवेंटीज और कुछ लोगों का मानना है दैट इट लास्टेड इज लास्टेडीन नाइनटीज और सेकेंड वे फेमिनिज्म का जो फोकस था वो था एंटी पेट्री ये पेट्री को खत्म करने की बात करते थे इनका मानना था कि पैट्रियार्की ही रिस्पॉन्सिबल है इन के लिए ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू मेल डोमिनेंस को सपोर्ट किया जाता है हिंदी में इसे कहते हैं पित्र सत्ता इसकी एक और थीम थी विच इज पर्सनल इज पॉलिटिकल इस थीम का मतलब ये है कि एक वुमन के पर्सनल इश्यूज लाइक चाइल्ड केयर या डोमेस्टिक वायलेंस ये भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं और इन इश्यूज में भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन करने की जरूरत है ताकि चेंज लाया जाए तो फॉर एग्जाम्पल स्टेट को चाइल्ड केयर सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए ऑल्सो इसके थ्रू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को भी क्वेश्चन किया गया जिसमें यह माना जाता है कि जो महिलाएं या वुमेन होती हैं वो घर पर रह के काम करती हैं बच्चों को संभालती हैं हाउस होल्ड वर्क करती हैं और मेन जो है वो बाहर ऑफिस में जाके काम करते हैं और अर्न करते हैं तो इन्हीं ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को क्वेश्चन किया गया ऑल्सो इसने इस बात पर भी फोकस किया कि क्यों वुमेन का ऑपरेशन किया जाता है वॉट इज द रीजन उन पर अत्याचार किए जाते हैं और जब इस एस्पेक्ट की स्टडी करी गई तब पता चला कि इसका कॉज है पेट्रीआर साथ ही साथ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स जो कि वीमेन के ऑपरेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो रेडिकल फेमिनिज्म ने प्राइवेट में वीमेन के लिए राइट्स की डिमांड करी लाइक द रिप्रोडक्टिव राइट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस प्राइवेट स्फेयर होता है डोमेस्टिक स्फेयर जो कि अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट सिर्फ फीमेल्स को असाइन किया जाता है वही पब्लिक स्फेयर इज असाइन टू द मेन और साथ ही साथ जो रेडिकल फेमिनिज्म था ये दूसरी पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट से भी कनेक्टेड था लाइक द एल जी बी टी मूवमेंट द वियतनाम वॉर मूवमेंट द ब्लैक पावर मूवमेंट और इसी वजह से ये दूसरी मूवमेंट्स के साथ भी मिक्सअप हो गया और जिस वर्क ने इस सेकेंड वे फेमिनिज्म को इंस्पायर किया वो है बेटी फ्राइडन का द फेमन मिस्टीक इसके बाद आता है द थर्ड वे फेमिनिज्म जिसे कल्चरल फेमिनिज्म भी कहा जाता है एंड इट बिगेन फ्रॉम द नाइनटीन नाइनटीज ये मानता है कि हमें फेमिनिज्म का स्कोप ब्रॉडर करने की जरूरत है और इसमें वुमेन ऑफ कलर को इंक्लूड करने की जरूरत है विचमीन्स द ब्राउन वुमेन और द ब्लैक वुमेन थर्ड वे फेमिनिस्ट जो हैं ये मेनली सेकेंड वे फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज करते थे और ये मानते थे कि थर्ड वर्ल्ड की जो वुमेन है उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है तो इसलिए उनके बारे में ही बात करने की ज़रूरत है इसी वजह से आया थर्ड वे फेमिनिज्म ये फोकस करता था जेंडर आइडेंटिटी पर वुमेन की डाइवर्सिटी पर कि वुमेन सिर्फ वही नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहती हैं बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी रहती हैं एज वेल एज इट एम्फाइज ऑन इंटरसेक्शनैलिटी इंटरसेक्शनैलिटी क्या है ये मैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म वाली वीडियो में बता चुकी हूँ इट्स लाइक जब आप डिफरेंट फैक्टर्स को मिलाकर एक इशू की स्टडी करते हो तो अब आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव इन इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन में फेमिनिज्म क्या है इसको हम इन परस्पेक्टिव के थ्रू समझते हैं इसमें सबसे पहले आता है द लिबरल फेमिनिस्ट पर जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वेमेन के रोल को एनालाइज करता है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था तो इससे यह बात निकल कर आती है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक जेंडर गैप है वेमेन का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है सो लिबरल फेमिनिस्ट वांट मोर रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। साथ ही साथ विमेन पर वॉर का जो इफेक्ट होता है उसकी बात भी ग्लोबल पॉलिटिक्स को करने की जरूरत है दैट्स वॉट द लिबरल फेमिनिस्ट पर थिंग्स ये काफ़ी सारे इश्यूज की स्टडी करती है लाइक इट इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजी वेमेन यानि कि ऐसी वुमेन जो दूसरे कंट्री में चली जाती है वॉर के डर से या पर्जिक्यूशन के खतरे से ये इनकम इन इक्वालिटीज बिटवीन वेमेन एंड मैन से भी कंसर्न है एज वेल एज वेमेन जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन फेस करती हैं उनकी भी ये स्टडी करता है तो लिबरल फेमिनिस्ट पर मानता है दैट हाई लेवल पॉलिटिक्स में विच इज कंसर्न विद वॉर पीस सिक्योरिटी डिप्लोमेसी ऐसी हाई लेवल पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा फीमेल पार्टिसिपेशन की जरूरत है जितनी ज्यादा विमेन लीडर्स होंगी उतना ही बेहतर तरीके से ग्लोबल लेवल पर पॉलिसीज बन पाएंगी जो कि उनके इंटरेस्ट में भी हों सो दिस इज दी लिबरल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। फिर इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव जो कि यह समझता है कि जेंडर को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है जेंडर को बनाया कैसे जाता है कैसे जेंडर आइडेंटिटीज ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट जेंडर कोर कंपोनेंट मानते हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है ये स्टडी करता है कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स जेंडर के बारे में जो आइडियाज हैं उन्हें शेप करती है और कैसे जेंडर के बारे में जो आइडियाज हैं वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और इस पर्सपेक्टिव की मेन प्रॉपरस हैं एलिजाबेथ प्रूल एंड शार्लट हुपर तो जहां लिबरल फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव यह बात करता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में व्यूमेन के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना चाहिए वही कंस्ट्रक्टिविस्ट फेमिनिस्ट इस बात को एनालाइज करते हैं कि कैसे जेंडर को इंटरनेशनल लेवल पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है फिर इसके बाद थर्ड है फेमिनिस्ट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव जिसकी रूट्स कैन बी ट्रेस बैक टू द ग्रामशियन मार्क्सिज्म अब ग्रामशी का नाम आ गया है तो आप समझ लीजिए किस बारे में बात हो रही होगी हेजमनी के बारे में कल्चर के बारे में आइडियाज के बारे में और फेमिनिस्ट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी इन्हीं एस्पेक्ट्स की बात करता है ये स्टडी करता है कि आइडियाज और कल्चर क्या रोल प्ले करते हैं वेमेन की ऑपरेशन में कैसे आर्ट कल्चर लॉ मीडिया या एजुकेशन का यूज करके विमेन के माइंड में ये आइडिया डाला जाता है दैट दे आर इन्फीरियर टू मैन और ये कैसे होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूं कि एक महिला है वो कोई मूवी देख रही है और उस मूवी में ये दिखाया जाए कि एक आइडियल वुमन एक आदर्श महिला वही है जो खुद को मेल से इनफीरियर माने तो कहीं ना कहीं वो महिला जो मूवी देख रही है उसके माइंड में भी तो ये आइडिया आ जाएगा कि अगर उसे एक आदर्श महिला बनना है तो उसको अपने आप को मेल से इन्फीरियर समझना पड़ेगा तो इस प्रकार से वुमेन के माइंड को शेप किया जाता है इसके अलावा फेमिनिस्ट क्रिटिकल ये भी बताता है कि वुमेन में अवेयरनेस लाने की जरूरत है उनको अवेयर होने की जरूरत है तभी तो उनको पता चल पाएगा कि उनका ऑपरेशन हो रहा है एंड द मोमेंट वो अवेयर हो जाती हैं इस ऑप्रेशन के बारे में उसी समय वो इमेंसिपेट या फ्री हो जाती हैं इस ऑप्रेशन से और इसकी मेन प्रोपोनेंट है सैंड्रा विटवर्थ फिर आता है फेमिनिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट परस्पेक्टिव वैसे इसकी इंटरनेशनल रिलेशंस में ज्यादा रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ये लिटरेचर के फील्ड में ज्यादा प्रेविलेंट है आईआर के परस्पेक्टिव में फेमिनिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये मानते हैं दैट देर इज अ लिंक बिटवीन नॉलेज एंड पावर ऐसा नहीं है ये एक दूसरे से अलग है बल्कि पावर जो है वो नॉलेज को इन्फ्लुएंस करती है जिसके पास भी पावर होगी चाहे वो बुर्जुआ क्लास हो या मेन वो नॉलेज को डोमिनेट करेंगे और क्योंकि मेन के पास पावर है दे आर पावरफुल वो नॉलेज को भी कंट्रोल करते हैं इसलिए मेन को नोअर्स माना जाता है जिसके पास सारी नॉलेज हो और इसी वजह से क्योंकि वेमेन सबॉर्डिनेट हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है उनको लेस नॉलेजेबल माना जाता है और इसी बात का तर्क देकर या आर्ग्यूमेंट देकर उन्हें इंटरनेशनल रिलेशन से बाहर रखा जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि वो तो लेस नॉलेजेबल है ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेकर सारी की सारी नॉलेज तो मैन के पास है इसके प्रोपोनेंट्स हैं एलैन सिवा लूस रिगरे और जूलिया क्रिस्टेवा फिर आता है पोस्ट कलोनियल फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव ना ये परस्पेक्टिव जो है वो वेस्टर्न फेमिनिस्ट को क्रिटिसाइज करता है ये मानते हैं कि जो वेस्टर्न फेमिनिस्ट हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की वुमेन को एक नेगेटिव वे में देखती हैं उनको पावरलेस बैकवर्ड और हेल्पलेस समझती हैं और ये मानते हैं कि फेमिनिज्म थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की वुमेन के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात नहीं करता है उनको इग्नोर करता है और फेमिनिज्म से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज एग्जिस्ट करती है वो सारी की सारी वेस्टर्न वुमेन के परस्पेक्टिव से है जो कि एक प्रिविलज पोजिशन एंजॉय करती है। तो हैं तो पोस्ट कलोनियलिस्ट फेमिनिस्ट मानते हैं कि फेमिनिज्म को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की वुमेन के बारे में भी बात करने की जरूरत है उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में और पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव की सपोर्टर हैं चंद्रा मोहंती जो कि ये भी मानते हैं कि जब हम वुमेन सबॉर्डिनेशन की स्टडी करते हैं तब हमें उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की भी स्टडी करनी चाहिए कि अगर कुछ हो रहा है तो वो किस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि वेस्टर्न फेमिनिस्ट तो मानती हैं कि हिजाब करना या पर्दा करना एक बैकवर्डनेस की निशानी है और ये ऑप्रेशन का भी एक फॉर्म है जिसके थ्रू महिलाओं को दबाया जाता है उनकी आइडेंटिटी को दबाया जाता है बट वो ये रियलाइज नहीं करती कि पर्दा और हिजाब हिंदू कल्चर और इस्लामिक कल्चर का एक पार्ट है यही यहां बताना चाह रही है चंद्रा मोहंती तो ये होता है पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। एंड द लास्ट पर्सपेक्टिव इज इको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। इको फेमिनिज्म जो टर्म है ये कॉइन की गई थी फ्रेंच फेमिनिस्ट फ्रांसवा डी इबोन द्वारा 1974 में इको फेमिनिस्ट जो हैं वो विमेन और नेचर के बीच के कनेक्शन को एग्जामिन करते हैं ये मानते हैं कि विमेन और नेचर एक दूसरे से बहुत सिमिलर हैं दोनों को ही मेल्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता है एक्सप्लॉय किया जाता है अपने यूज के लिए और इसके साथ ही साथ विमेन के डोमिनेशन के लिए और एनवायरमेंट के डिग्रेडेशन के लिए पेट्रीआरकी और कैपिटलिज्म ही जिम्मेदार हैं और इसीलिए फेमिनिस्ट को और एनवायरमेंटलिस्ट को साथ में आने की जरूरत है अवेयरनेस स्प्रेड करने की जरूरत है अगेंस्ट पैट्रियार्की एंड कैपिटलिज्म और इस पर्सपेक्टिव की मेन सपोर्टर है वंदना शिवा तो ये थे द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स इन इंटरनेशनल रिलेशन तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ये कह के इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में फेमिनिज्म वेरियस परस्पेक्टिव और थीम्स का एक कलेक्शन है और इन परस्पेक्टिव और थीम्स को समझ कर हमें पता चलता है कि क्यों वुमेन ग्लोबल पॉलिटिक्स में विजिबल नहीं है वॉट आर द सेवरल रीजन लिबरल फेमिनिस्ट पर मानता है कि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो अगर उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा फिर वो विजिबल हो जाएंगी वही कंस्ट्रक्टिविस्ट फेमिनिज्म ये मानता है कि अगर हमें पता चल जाए कि जेंडर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके थ्रू हम सोसाइटी नॉर्म्स एंड पावर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जिससे कि एक ट्रू इक्वालिटी आ सकती है इसके साथ ही साथ ये विमेन से रिलेटेड काफी सारे ब्रॉडर क्वेश्चन को एग्जामिन करता है कि कैसे जेंडर शेप करता है ग्लोबल पॉलिटिक्स को और कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स जेंडर को शेप करती है ये मानता है कि जब हम जेंडर को एज अ कैटेगरी ऑफ एनालिसिस स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में कितना ज्यादा मेल डोमिनेशन है कैसे वेरियस फेयर्स को मेल्स द्वारा डोमिनेट किया जाता है और जैसा फेमिनिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट परस्पेक्टिव कहता है कि इवन नॉलेज को भी मैन डोमिनेट करते हैं बिकॉज दे हैव द पावर इसके अलावा वॉर या कॉन्फ्लिक्ट जैसे इश्यूज की जब बात की जाती है तो उसमें विमेन के एक्सपीरियंसिस के बारे में नहीं बताया जाता है इसी बात को फेमिनिज्म इंटरनेशनल रिलेशन में एड्रेस करता है साथ ही साथ वो इस बात पर भी एम्फेसाइज करता है कि ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग में और ग्लोबल इकोनॉमी में वेमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तभी वो अपनी बातों को रख सकेंगे बेटर पॉलिसीज बना सकेंगे जो वुमेन के इंटरेस्ट में हो और इसी से इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इक्वालिटी आ सकती है अदरवाइज इंटरनेशनल रिलेशंस हमेशा के लिए एक मेल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑल्सो द जेंडर इज प्रेजेंट इन ऑल ग्लोबल प्रोसेस कोई भी ग्लोबल प्रक्रिया हो लाइक वॉर डिप्लोमेसी कॉन्फ्लिक्ट जेंडर हर जगह प्रेजेंट है और इसीलिए हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है सो दिस विज टूडेज टॉपिक जिसमें हमने समझा फेमिनिज्म को इन इंटरनेशनल रिलेशन बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव ये पार्ट वन है पार्ट टू में हम इसकी थीम्स को समझने वाले हैं ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने की इम्पोर्टेंट परस्पेक्टिव हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपने परस्पेक्टिव समझ लिए तो फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट हो गया नहीं अभी रहता है सो आई होप द टॉपिक क्लियर टू यू तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच आपका दिन शुभ हो